नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। दोस्तों, नीम का पेड़ जिसकी पत्तियां, डंठल, उसके छाल और उसके फल जिसे नीम कौड़िया कहते हैं, प्राचीन समय से ही आयुर्वेद में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। इसके अलावा नीम का पेड़ वातावरण को शुद्ध रखना तथा गर्मी के दिनों में शीतलता प्रदान करना इत्यादि में भी अहम भूमिका है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम नीम के कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिसे हम इसे इस्तेमाल करके अनगिनत फायदे उठा सकें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड में कमेंट करें, इसे शेयर करें और जो दोस्त इस चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नीम के पेड़ के हर एक भाग में आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं, चाहे वे उसकी पत्तियां हों, उसके डंठल हों, उसके नीम के छाल हों या नीम की निमकौड़ियाँ हों, नीम के फल हों, इन सारे में आयुर्वेदिक गुण पाया जाता है। हम इन्हीं गुणों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नीम का उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। कीटनाशक के रूप में चाहे वो अनाज के कीट हों या पेट में कीड़े हों या बालों के कीड़े हों, इन सब में नीम का कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यदि अनाज में कीट पड़ गए हों तो नीम की पत्तियों को कपड़े में बांधकर अनाज में रखने से अनाज के कीड़े खत्म हो जाते हैं, या यूँ कहें कि कीड़े पड़ते ही नहीं हैं। नीम की पत्तियों को सुबह चबाने से पेट के कीड़े दूर होते हैं। इसके अलावा बालों में पीस कर लगाने से बालों के जूए इत्यादि खत्म हो जाते हैं। नीम का उपयोग मौसमी या इस तरह भी चोट लगा हो या फोड़े फुंसियों पर इस्तेमाल किया जाता है और उसमें काफ़ी ये फ़ायदा पहुंचाता है। कहीं भी फोड़ा या फुंसी हो गया है, नीम की पत्तियों को पीस कर उस पर लगाने से काफ़ी राहत मिलता है। नीम का पेड़ वातावरण में शुद्धता और शीतलता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यदि हमारे स्किन पे कहीं जल गया है, वहाँ पर इसके लेप को लगाने से काफ़ी जले हुए जगह पे हमको राहत मिलती है और वहाँ शीतलता मिलती है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी नीम का पत्ता एक वरदान ही है। यदि आपके हाथों और पैरों में जलन की शिकायत है तो एक बार आप नीम के पत्तों का लेप जरूर लगाएं, आपको उस जलन में काफ़ी राहत मिलेगी। पेट संबंधी, पाचन तंत्र संबंधी विकारों में भी नीम काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। आपके पेट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, गैस हो, कब्ज हो इत्यादि, इन सब में ये काफ़ी राहत पहुंचाता है। इसके अलावा पेट के कीड़ों को भी ये दूर करने में कारगर है। नीम एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल गुणों वाला पौधा है और किसी भी कटे हुए, जले हुए या फोड़े फुंसी पर लगाने से किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होने देता है। नीम के पत्तों में विटामिन सी पाया जाता है जो कि आपके स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये ख़त्म करता है, उस समस्या को ये दूर करता है। सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यदि हेयर फॉल वगैरह हो रहा है तो उसमें भी नीम काफ़ी कारगर है। नीम के फल जिसे निपकौड़िया कहते हैं, उससे तेल बनाया जाता है, तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निपकौड़ियों को पीसकर उससे तेल बनाया जाता है और नीम के तेल के यदि हम दिए जलाएं तो मच्छर इत्यादि से राहत मिलता है। इसके अलावा डेंगू जैसे खतरनाक मच्छरों से भी ये राहत दिलाता है। नीम का तेल भी हमारे बॉडी पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता है, काफ़ी उपयोगी होता है नीम का तेल हमारे शरीर के लिए। आपके दांतों में होने वाले कीड़े या दांतों में फंसी हुई मैल को भी दूर करने में नीम काफ़ी कारगर होता है। नीम का दत्वन कीजिए आपके दांतों में जमे हुए मैल, इसके अलावा आपके मसूड़ों से खून आना इत्यादि, ये सारी चीज़ों की समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था नीम से रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स जो कि मैं आप तक शेयर किया। नीम अनगिनत फ़ायदों को पहुँचाने वाला पौधा है। इसके अलावा भी यदि आप इस्तेमाल करते हो तो ऐसा नहीं है कि इसके इस्तेमाल से नुकसान ना हो। दोस्तों, किसी भी पौधों को इस्तेमाल करने से पहले
आपको एक बार एक्सपर्ट से सलाह ले लेनी चाहिए कि आपको कितनी मात्रा में और कब और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। हर पौधा आपको बेनिफिट्स भी पहुंचाता है और यदि आपको इस्तेमाल का तरीका नहीं पता है तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो वीडियो में बताए गए फ़ायदों से आप एक्साइट होकर तुरंत ही उसका इस्तेमाल करना चालू मत कर दीजिए, उसको पहले किसी एक्सपर्ट से राय ले लीजिए, उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।